जिले की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों और किसानों हम्मालों के बीच चला आ रहा विवाद मंडी परिसर से निकलकर सड़क तक पहुंच गया। यहां किसानों और नाराज हम्मालों ने संयुक्त तौर पर धरना देकर व्यापारियों के रवैये से नाराज होकर जमकर नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए तथा मंडी गेट पर बैठ गए हैं। किसानों और हम्माल लोगों की 8 बिंदियों पर मांग है तथा व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर कहना है कि पहले तो व्यवस्थाओं का सुधार हो, इसके बाद ही आगे काम हो पाएगा। हम्मालों के हड़ताल पर चले जाने के कारण मंडी का कामकाज काफी प्रभावित हो गया है। इनकी मांग है कि मंडी में प्रतिदिन एक रेक माल आता है और उसे उठाने की व्यवस्था नहीं होने से अव्यवस्थाएं फैल रही है, इसके लिए टेंडर बुलवाया जाए। व्यापारियों द्वारा किसानों से हम्माली तुलाई के नाम पर 12 से 14 रुपए प्रति बोरी काटी जाती है। किसान हम्मालों को 6 रुपए तुलाई देते हैं, जिससे किसानों को 6 या 8 रुपए ही बचत होगी। गाड़ी लोडिंग 2.85 रुपए ही दिया जा रहा है, उसे बढ़ाकर 3.50 रुपए किया जाए तथा कृषि उपज मंडी के शेडों में पानी की व्यवस्था की जाए, उसके साथ ही काम करने का समय भी निर्धारित हो। इन्हीं सभी मांगों को लेकर ये सब बैठे हुए हैं धरने पर। प्रशासन के हस्तक्षेप और समझाइश देने के बाद मंडी में काम शुरू हो पाया है। इनका हैंडल घुमा दो गाड़ी का, सीधी गाड़ी लगाओ, सीधी अमाल यूनियन जिंदाबाद, अमाल यूनियन जिंदाबाद, अमाल यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हड़ताल का कारण था व्यवस्थाओं को लेकर आज किसान हमाल मित्र मंडल के द्वारा हड़ताल की गई अनिश्चितकालीन। यहाँ पे किसान और मजदूरों का शोषण कुछ तथाकथित अधिकारी वर्ग और कुछ तथाकथित व्यापारी गण मिलकर कर रहे हैं, जिससे निरंतर इनका शोषण विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। हमारे हमाल किसान हमाल मित्र मंडल के द्वारा 1.5 माह से इनसे पत्र व्यवहार किया जा रहा है, समय समय पर निवेदन भी किया गया, उसको अनसुना करने के कारण आज हम इस परिणति पर पहुँचे। हमें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि एक रैक जब माल प्रतिदिन मंडी में आ रहा है तो इसकी व्यवस्था भी उसी स्थिति में मंडी करके दे, जैसे रैक पॉइंट पर रेलवे करके देती है वहाँ प्रति परिवहन के लिए, वैसी व्यवस्था मंडी समिति के व्यापारियों को करके दे और उसका भुगतान जो है व्यापारी करेगा, जिससे समुचित व्यवस्था बनेगी। व्यापारी के द्वारा 12 से 14 रुपए प्रति बोरी खर्चा जो काटा जाता है, तो वह खर्चा ना काटते हुए डायरेक्ट वो मजदूरों को 6 रुपए दे, जिससे किसानों को 6 रुपए से 8 रुपए तक की बचत होगी। यहाँ पे प्रतिदिन 60,000 बोरी की आवक है, 5 लाख रुपए प्रतिदिन किसानों का बचेगा।